अब सबको पता है कि मेहनत से लाइफ बदलती है। तुम सब अपने घर से आए हो, तुम्हारे मन में उम्मीद है कि कैसे पढ़ लिख के हम लोग गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाएं। हर बच्चा यही चाहता है। एवरेज मिडिल क्लास परिवार में आज भी बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर वो गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाए। इसका रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है। कंपटीशन का दौर है, दुनिया बहुत अकलमंद हो गई है और सबको पता है कि पढ़ के अपने घर की स्थिति बदली जा सकती है। आज से 30 साल पहले अगर बात करूं तो लोगों में ना बेटा इतनी विकसित बुद्धि नहीं थी। वो सोचते थे भगवान ने जहाँ पैदा किया वहीं रहेंगे, वैसे ही जीवन कटेगा। लेकिन अब सबको पता है कि मेहनत से लाइफ बदलती है। तुम्हारे सामने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी में पैदा हुए थे, जिनके घर में हार्डली एक दो कमरा था, बस जैसे तैसे गिरते पड़ते उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की, किसी चीज़ में खास अपना स्किल बनाई और आज वो अच्छा कमा रहे हैं। गांव छोड़ के शहरों में बड़े बड़े मकान बना लिए, गाड़ियां ले ली, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल सबके खानदान में, परिवार में, गाँव में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ऐसा पहले नहीं था बेटा, अब समझ में आ गया कि मेहनत से और मेहनत प्लस सही दिशा में की गई मेहनत, जैसे सब लोग एक काम के लिए नहीं बने। दंगल मूवी में हमने देखा था वो दो बहनें, देखो वो उसके पिताजी ने कहाँ से उठा के कैसे एकदम से सारा अपना काम धाम पलट के रख दिया था, है ना। आज वो देखो कितना बड़ा नाम, कितना बड़ा उनकी शोहरत, कितनी लड़कियाँ उस फील्ड में चली गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में करें। हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि एवरेज बच्चा अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो अच्छी पढ़ाई कर सकता है। या तो फिर हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग हों। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सिर्फ आपकी मेहनत लगती है। जैसे पहलवानी है, उसमें बेटा पीछे खाने के लिए भी चाहिए। पहलवानी सूखे पेट तो नहीं हो सकती ना कि भैया भूखा मर रहा पहलवानी कर रहा है। पहलवान की तो डाइट इतनी तगड़ी है कि घर में उसका 8-10 हज़ार रुपया खाने पीने पर अगर नहीं लगा तो उसकी पहलवानी फिर रंग नहीं दिखा पाएगी। तो उसमें खर्चा चाहिए ही चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पैसा नहीं लगता। आप अगर ठीक ठाक से स्कूल में पढ़े, मान लीजिए बहुत बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, आजकल बुरा हाल है। लेकिन जब तुम्हारी जो पीढ़ी, अब तुम लोग कम से कम भी 18-20 साल के हो, 18-20 साल पहले तक भी जब तुम 5वीं 6वीं में अगर तुम उस टाइम पे पढ़े हो सरकारी से, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ज़्यादा बुरा हाल हो गया गवर्नमेंट स्कूल सा का। एक टाइम पर ये सब ठीक थे। मैं खुद भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी हूँ, खैर वो उतना सरकारी नहीं है, वो है तो सरकार का पर ठीक ठाक सा है। तुम में से कोई अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है तो भी चिंता नहीं करनी, बस ये ध्यान रखो कि मुझे मेहनत करनी है और सही दिशा में करनी है, तब सफलता मिलेगी। अपनी लाइफ अगर बदलना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, नहीं तो जहाँ हो ना उस संसाधनों में आगे 10 साल बाद की जिंदगी है नहीं। दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले कोई लड़का कुछ भी नहीं करता था तो भी कोई बात नहीं, अपने पिताजी की खेती में हाथ बटा दिया, ये भी काम ही था और लगभग लोग ऐसी जिंदगी गुजार देते थे। लेकिन जिस पीढ़ी के तुम लोग हो ना, अब खेती करके बेटा पूरा नहीं पड़ता। अब इतना खराब हाल है कि खेती करने में घर चलना भी मुश्किल है और लगभग पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा खेती ना करे, क्योंकि उनको पता है खेती में कुछ बचना नहीं है। लड़कियों के पिताजी जब लड़का ढूंढने निकलते हैं तो कभी नहीं सोचते कि मैं अपनी लड़की को किसी खेती किसानी करने वाले आदमी से शादी कर दूं। सब चाहते हैं कि पैसा कमाता हूं, क्योंकि ना ऐसा नहीं कि किसानी कोई ख़राब काम है, लेकिन पैसा बचता ही नहीं। पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी आदमी कुछ नहीं बचा पाता, अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, ज़िंदगी बेहतर नहीं जी पाता। सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि किसानी में कुछ बचना नामुमकिन हो गया, इतना बुरा हाल है। हर चीज़ तो इतनी महंगी है, चाहे तुम डीजल से लगा लो, साधनों से लगा लो, बिजली पानी, हर चीज़ की कीमत है। तो ज़्यादा अच्छा है बेटा एवरेज परिवार के बच्चे के लिए 12वीं करे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। बहुत सारी वैकेंसी आती हैं।